नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। पूर्व नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ ऑस्ट्रेलियन मंत्री टोनी बोर्टविच सिडनी में भेंट वार्ता। ऑनलाइन संचार माध्यम संबंधी निर्देशिका तत्काल सत्यापन, नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा सरकार संग मांग। 3 वर्ष लंबा प्रयास पश्चात सार्वजनिक खरीद एवं संशोधन। धनुषा में अखन धरि 0.10% मात्र धान रोपायल। आ संविधान के विरुद्ध में अभिव्यक्ति देवे वाला आ आंदोलन की घोषणा करे वाला मंत्री सबके बर्खास्त करब, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस द्वारा संसद में मांग। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आ ऑस्ट्रेलियन मंत्री टोनी बोर्टविच सिडनी में भेंटवार्ता भेल। भेटवार्ता में नेपाल के समसामयिक राजनीतिक, नेपाल के नया संविधान, मधेशी आदिवासी जनजाति सम्मिलित संघीय गठबंधन के नेतृत्व में जारी आंदोलन आ ऑस्ट्रेलिया में रहल नेपाली आदिवासी अप्रवासी के समस्या लगायत के विषय में द्विपक्ष बीच छलफल भेल। सिडनी में भेल भेंट में पूर्व परराष्ट्र मंत्री यादव के स्वागत करते वर्क नेपाल के संविधान आजारी आंदोलन के विषय में चाख रखने भेंटवार्ता के व्यवस्थापन केने नेपाली संघीय समाज ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष गणेश तमांग जनता देने सहित। ऐसे आगू नेपाली संघीय समाज ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आयोजना के अंतरक्रिया में सिडनी के सांसद सोफी कोटसिस आ कैटबरी के मेयर कार्ल, पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल यादव के स्वागत तथा सम्मान के नशल। नेपाली संघीय समाज ऑस्ट्रेलिया के निमंत्रणा में फोरम नेपाल के अध्यक्ष यादव सप्ताह लंबा भ्रमण के लिए बीतल शुक्र दिन ऑस्ट्रेलिया प्रस्थान के नशल। नेपाल पत्रकार महासंघ ऑनलाइन संचार माध्यम संबंधी निर्देशिका तत्काल सच्याव सरकार संग मांग कलक। महासंघ मंगल दिन सूचना तथा संचार मंत्री शेरधन राय के ज्ञापन पत्र बुझाक निर्देशिका के कतेको प्रावधान संविधान से प्रत्याभूत केने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ स्वतंत्र पत्रकारिता के मूल्य मान्यता विपरीत रहल कहत निर्देशिका तत्काल सच्याव मांग कलक। महासंघक अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र विष्ट निर्देशिका में व्यवस्था कैल गेल आधिकारिक स्रोत नहीं रहल, भ्रम सृजना कर जेहन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रतिकूल असर पर जेहन सामग्री प्रकाशन प्रसारण कर के ऑनलाइन संचार माध्यम अवरुद्ध कर सक के मुदा मीडिया के विकास के बाधा पहुंचाओत जेहन रहल बतौलन। मीडिया नियमन हुन्छ, मीडिया को नियमन हुन्छ, तर त्यो नियमनको प्रणाली गर्न नपर्छ, त्यो कुरामा हामी एकदम दृढ छौँ। यही ज्ञापन पत्रमा लेखेको छौँ कि हामीले पत्रकार आदर्श संहिता कारण गर्नुपर्छ, प्रेसको चाहिँ मान्य सिद्धान्तहरूलाई जहिले पनि आत्मसात गर्नै पर्छ। ज्ञापन पत्र बुझे सूचना तथा संचार मंत्री राय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कुंठित कर के सरकार के मनसाय नहीं रहल कहते निर्देशिका सच्याव मंत्रालय तैयार रहल बतौलन। वो निर्देशिका सच्याव के लिए महासंघक प्रतिनिधित्व होब जका कार्यदल गठन कर के आश्वासन दिलथ। मंत्रालय ऑनलाइन संचार माध्यम की दर्ता नवीकरण संचालन आ अनुगमन की व्यवस्थित कर कहते अखार 5 गते ऑनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका 2073 जारी केने छल। 3 वर्ष बेसी लंबा प्रयास के बाद सार्वजनिक खरीद एवं संशोधन भेल। व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक खरीद पहिल संशोधन विधेयक मंगल दिन पारित कलक। सरकार पूंजीगत बजट खर्च होब नहीं सकला के बाद 3 वर्ष आगुए सार्वजनिक खरीद एवं संशोधन के प्रक्रिया आगू बढ़ने छल। मंत्री कर्मचारी व्यवसायी लगायत विकास निर्माण के काज तोकल गेल समय में पूरा नहीं भेनाई, काज में गुणस्तर नहीं भेनाई लगायत की दोष एन के दैत आयल छल। प्राविधिक पक्ष के व्यवस्था कक सबसे कम मोल कबूल करे वाला कंपनी ठेका पवित आयल में सार्वजनिक खरीद पहल संशोधन विधेयक पारित होते आब से लागत अनुमान की 15% से कम रकम के प्रस्ताव करे वाला कंपनी प्रतिस्पर्धा से बाहर भ जात। सार्वजनिक खरीद पहल संशोधन विधेयक पारित भेल दिन संसद में न्याय परिषद विधेयक पेश भेल। कानून मंत्री अग्नि प्रसाद खरेल विधेयक पेश केने छथि। ओ न्यायाधीश सबके नियुक्ति सरुआ भ्रष्टाचार के अभियोग में कार्रवाई लगात के विषय के व्यवस्थित बनाब विधेयक पेश केने बतौलन। विधेयक में न्यायाधीश सब अपन आ परिवार के नाम में रहल संपत्ति विवरण आर्थिक वर्ष शुरू भेल 60 दिन भीतर बुझाव के व्यवस्था कैल गेल। सरकारी डुकुटी से तलब सुविधा लेवे वाला कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक लगाये सब संपत्ति विवरण बुझाव के व्यवस्था रहित न्यायाधीश सब के छूट दल गेल छल। न्यायाधीश सब घूस खाकर फैसला करित आयल जनुप्राग बढ़ला के बाद विधेयक में न्यायाधीश सब के सेहो संपत्ति विवरण पेश कर के व्यवस्था कैल गेल। मुदा न्यायाधीश सब के संपत्ति विवरण सार्वजनिक कर के बदला गोप्य राख के प्रस्ताव विधेयक में कैल गेल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संविधान के विरुद्ध में अभिव्यक्ति देवे वाला तथा आंदोलन के घोषणा करे वाला मंत्री सबके बर्खास्त कर के मांग कलक। व्यवस्थापिका संसद के मंगल दिन बैसल बैसार में कांग्रेसक सांसद सब संविधान के कार्यान्वयन कर के जिम्मेवारी लेने
मंत्री के संविधान विपरीत अभिव्यक्ति देवला आ आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कर के छूट नहीं रहल कहते ओहन मंत्री के बर्खास्त कर के मांग कलक। उप प्रधानमंत्री तथा सहकारी एवं गरीबी निवारण मंत्री चित्र बहादुर केसी राष्ट्रीय जनमोर्चा संघीयता के विरोध में साउन मशांत धर के लिए आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कलक। राप्रपा नेपालक मंत्री सब गणतंत्र आ धर्मनिरपेक्षता के विरोध में सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्ति दैत आयल। कांग्रेसक सांसद सब संविधान के शपथ खौने मंत्री सब के संविधान विपरीत अभिव्यक्ति देव वाला तथा आंदोलन कर के छूट नहीं रहल कहित ओहन मंत्री की त नैतिकता आधार में पद त्याग करे पड़त नहीं तो सबके मंत्री के पद से बर्खास्त करे पड़त बताल। समानुपाती प्रणालीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने मन्त्रीहरू संघीयता विरुद्धमा गणतन्त्र विरुद्धमा दिनदिनै हामीले पत्रिकामा पढ्न पाइरहेका छौँ। यतिसम्म कि भूकम्प प्रभावित ओके बाद राष्ट्रिय जनमोर्चाके सांसद दुर्गा पौडेल काङ्ग्रेसका सांसद सबके जवाफ घुराउने छलथ। ओ संविधान से फरक विचार राखवला अधिकार सुनिश्चित केने आ वैधानिक अधिकार के प्रयोग स्वरूप अपन पार्टी संघीयता के विरोध में आंदोलन शुरू केने बतलन। बैसार में संसद सब द्वंद्वग्रस्त देश अफगानिस्तान में नेपाली कामदार सब अवैधानिक रूप में पठाव के मैन पावर कंपनी ऊपर कार्रवाई करके मांग केने। ओ सब मैन पावर आ कंपनी सब पैसा के प्रलोभन में युवा सब के अफगानिस्तान पठावत कहित दोषी मैन पावर के कार्रवाई कर युवा सब के अफगानिस्तान जाय से निरुत्साहित कर पड़त बताने। ओ सब काबुल में जान गुमाने मृतक के परिवार के क्षतिपूर्ति देव के सेहो मांग केने। अफगानिस्तान के काबुल में सोम दिन भेल आत्मघाती बम आक्रमण में पड़ कर 13 गोटे नेपाली सुरक्षा गार्ड के मृत्यु भेल छल त 7 गोटे घायल भेल छल। घटना प्रति सांसद दुख व्यक्त केने। हिंसाग्रस्त देश अफगानिस्तान में करीब 15,000 नेपाली कार्यरत रहल अनुमान कयल गेल छ। ओहि में से 1,213 गोटे मात्र वैधानिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय आ कूटनीतिज्ञ नियोग में काज कर गेल वैदेशिक रोजगार विभाग जनौलक। सरकार औपचारिक कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनौलक। सरकार मंगल दिन काठमांडू के दरबार मार्ग में योग अभ्यास के कार्यक्रम योग दिवस मनौलक। योग अभ्यास में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उप प्रधानमंत्री सब मंत्री सांसद सचिव लगायत के उपस्थिति छल। नारायण हिटी संग्रहालय आगू के सड़क में योग अभ्यास करवला सबके भीड़ लागल छल। योग अभ्यास के क्रम में दरबार मार्ग में सवारी आवागमन रोकल गेल छल। उप प्रधानमंत्री सब मंत्री सांसद सचिव लगायत सब 1 घंटा धरि योग अभ्यास करतो। प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य के कारण जनवित किछ अभ्यास में मात्र सहभागिता जनौलथ। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के प्रस्ताव में बीतल वर्ष जून 21 के दिन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनावा लागल। कार्यक्रम में योग मैराथन में विश्व कीर्तिमान करे वाला उत्तम मोक्तान के 51,000 रुपया सहित सम्मान कयल गेल छल। मोक्तान 2072 साल के पूछ 2 गते से 4 गते धरि लगातार 50 घंटा 15 मिनट योग कीर्तिमान कायम केने छलथ। पिछला 1 महीना से निरंतर पानी पड़ितो धनुषा में अखन धरि में 0.10% मात्र धान रोपाई हो सकल। जिला कृषि विकास कार्यालय धनुषा के बमोजिम धान खेती योग्य कुल 65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मात्र धान खेती रोपाई हो सकल। जिला में 35,800 हेक्टेयर क्षेत्रफल धान खेती के लिए सिंचित क्षेत्र है। अखार महीना लाग रहल होइतो सिंचित क्षेत्रफल में सेहो रोपाई होब नै सकल। कृषि विकास कार्यालय के सूचना अधिकारी सुरेन्द्र गोइत सिंचित क्षेत्र में रोपाई होब नै सकल जनबैत 61,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वर्षे धान लगबैत आयल में अखन धरि 65 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मात्र रोपाई होब सकल जनौलनि। धनुषा जिला में अभी भदैया धान के लगभग लगभग 50-60 हेक्टेयर तक भदैया धान रोपनी भ चुकल छै और वर्षे धान फटफुट सेहो रोपनी शुरू भ रहल छै। एहि जिला में खास कर के धनुषा जिला में 4,000 हेक्टेयर में भदैया धान शुरू रोपाई होइ छै और 61,000 में जे वर्षे धान रोपनी होइ छै। 1 महीना से निरंतर पानी पड़ितो कृषि विकास कार्यालय के देखाई अनुगमन में बीया तैयार नहीं भेल छ। मुदा मध्य तथा पश्चिमी धनुषा के अधिकांश खेत में रोपाई भ चुकल है। बाकी रहल धान खेत में खेती योग्य जमीन रोपाई के अंतिम तैयारी में रहल है। कार्यालय एहि वर्ष निरंतर वर्षा भेला के बाद धान रोपाई हो वाला क्षेत्रफल में वृद्धि भ के उत्पादन में सेहो वृद्धि हाथ जनौने।
धनुषाकै मिथिला नगरपालिका अन्तर्गतकै बेङ्का डाबर स्थित आसपासक चाइटा वार्ड खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कयल गेल छ। धनुषाकै बडहरी बजारमै एक समारोहको आयोजनाका गाविस स्तरीय सरसफाई समितिक संयोजक जोगिन्दर महतो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कयने छथ। सांसद सेहो रहल एमाले नेता शत्रुधन महतो खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयकै प्रमुख दशैं मण्डल आज जीविस धनुषाकै प्रशासकीय अधिकृत विजय यादव तथा युएन हैबिट याट के विनोद शर्मा के विशेष उपस्थिति में मिथिला नगरपालिका के वार्ड नंबर 6, 7, 8 आ 9 खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा कयल गेल छ। जम्मा 2326 घर धुरी रहल चाइटा वार्ड के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण कयल गेल घोषणा समारोह में दावी कयल गेल छ। वे अवसर में प्रमुख अतिथि शत्रुधन महतो सहित अतिथि सब विजय यादव दशैं मण्डल विनोद शर्मा तुलसा घिमरे लगायत के सम्मान कयल गेल छ। चालू आर्थिक वर्ष में भेल या भर हल विकास निर्माण के काज कार्य संबंध में जनकपुर उप महानगरपालिका के कार्यकारी अधिकृत पुण्य प्रसाद लुटेल संग जानकारी मांग कयल गेल छ। अखार मशांत समाप्त होबय लागल समय नगरपालिका के बजेट सेहो निंटैत अछि नै निंटैत अछि त अत के विकास निर्माण के काज सब किछु योजना सब स्वीकृत होइत काज नै भ रहल अवस्था अछि। जनकपुरक अवस्था दिन प्रदिन बदर होइत जा रहल अछि। नेपाल सँ उपेक्षित मधेश आ सम्पूर्ण सरोकार बाला सँ उपेक्षित जनकपुर में जनकपुर नगरपालिका जनकपुर के विकास में कतेक योगदान देने अछि आ जनकपुरवासी की बुझने अछि आ बुझने कर के कत आ कते सदुपयोग भेल अछि। नेपाल सद्भावना पार्टी धनसा सूचना के हक के तहत वर्ष भरि में केने बजट विनियोजन ठेक्का पट्टा के कोटेशन लगायत के काज के प्रगति विवरण मांग कयलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझबैत जनकपुर के संपूर्ण सड़क बरसात में सेहो आवजा में करवला योग्य नहीं होइत अछि से बनाव के प्रतिबद्धता कराओल गेल अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत कार्यकारी अधिकृत लुटेल अपने योजना सबके स्थलगत अवलोकन कर के प्रतिबद्धता सेहो जाहिर कयने छथ आ आब वाला किछु वर्ष में जनकपुर के नक्शा बदल जात बताने छथ। नेपाल सद्भावना पार्टी के महासचिव राजीव झा के नेतृत्व में गेल टोली पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश दास उपाध्यक्ष मनीष चौधरी जिला अध्यक्ष शिलाकांत झा संजीव झा नेपाल युवा मंचक केन्द्रीय अध्यक्ष रोशन सिंह राणा रूपेश सिंह विद्यार्थी मंच के केन्द्रीय उपाध्यक्ष अरुण झा युवा नेता दीपेन्द्र शाह पत्रकार वीरेन्द्र रमन लगायत के उपस्थिति रहल छल। सर्वप्रथम सामाजिक तखन मात्र लेखा परीक्षण होबके शैक्षिक नीति रहितो जिला के अधिकांश सामुदायिक विद्यालय सब बिना सामाजिक परीक्षण धमाधम लेखा परीक्षण करित आयल अछि। मुदा शैक्षिक गुणस्तर सुधार के लेल धनुषा में कार्यरत गैर सरकारी संस्था जनचेतना अभियान नेपाल प्याक के सक्रियता में धनुषा के किछु विद्यालय सब सामाजिक परीक्षण के संस्कार विकास में जुटल अछि। दलित के बाल बच्चा सब पढ़ वाला धनुषा के बनिया में स्थित दिवस दीप दलित प्राथमिक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघ आ आमा समूह के सहभागिता में सामाजिक परीक्षण भ रहल समय धनुषा के जनता निमावी बनिंग में गुरुकुल प्रावी बनिंग में प्रावी भगवती भगवतीपुर आ प्रावी निकाल सँ वह समूह सब अवलोकन आ निरीक्षण कर रहल छल। दलित प्रावी के सामाजिक परीक्षण से प्रभावित भेल सहभागी अन्य विद्यालय सब सेहो जवाबदेहिता के लेल अपने सब सेहो जल्दी सामाजिक परीक्षण करे के प्रतिबद्धता जाहिर कयलक अछि। जनता निमावी के प्र सुनीता यादव जवाबदेहिता के लेल सामाजिक परीक्षण उत्तम संस्कार रहल बतौली। दिवस दीप प्रावी के प्र राजकिशोर यादव अपने विद्यालय के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक आ प्रशासनिक पक्ष के विषय में जानकारी करे तो विद्यालय के विद्यार्थी अभिभावक सब पाठ्य पुस्तक आ छात्रवृत्ति समय में नहीं पौने उपराग केने छल। संगे खाने पानी आ शौचालय के संबंध में सेहो चर्चा भेल छल। ओहि क्रम में अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति के दिशा दलित महिला मालो देवी महाराज निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आ छात्रवृत्ति समय में नई एनआई में प्र अ मात्र नहीं भक जिला शिक्षा कार्यालय सेहो दोषी रहल उपराग केने छल। सामाजिक परीक्षण के क्रम में प्याक नेपाल के प्रतिनिधि सब प्रत्येक वर्ष कमती में 4 बेर शिक्षक अभिभावक संघ के भेला 6 बेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति के बैसार होब के प्रावधान अनुरूप ओ कार्यक्रम सब भेल नहीं भेल प्रश्न केने छल। सामाजिक परीक्षण से पारदर्शिता उत्तरदायित्व जिम्मेवारी बोध होब जका भेला से एहन क्रियाकलाप कयल गेल प्याक नेपाल के कार्यकारी निर्देशक सुनील यादव जनौने छथ। आषाढ़ लगला के बाद प्रत्येक वर्ष नेपाल में विकास निर्माण के काज रफ्तार पकड़ते छ मुदा वह समय में आयल बाढ़ आ निरंतरता के बरसात के कारण काज पूरा होब नै होइते 50% से बेसी रकम फ्रीज होइत आयल अछि। असारे विकास निर्माण के कारण सेहो मध्य तथा पूर्वी मध्य के जिला सब वर्षेनी करोड़ के बजट प्रभावहीन बनैत अछि। जनकपुरक सर्वसाधारण से पूछने छलौं निरंतर के वर्षा पड़ला से
विकास निर्माण के खास में केहन प्रभाव पड़त अहाँ के बात से पहले काम होबे के चाही जे है अपने के अभी नाले के रोडे के है तो ये सब जे है सुखरुख में होबे के चाही अब हिसाब से मान ले जाओ ना ये नाला साफ भेले आब एकरा धस ना गिरले कतौ कुछो भेले तो ये सब एक्सीडेंट होए के बेसी चांस होइ छै ई सब से की विकास निर्माण के स्टेडियम में प्रभाव तो पड़बे करते जनकपुर के प्राय जतेक भी खास कर जे मेन रोड से गली वाला रोड तो कनी बचलो छै लेकिन मेन रोड सबके स्थिति एकदमे बदतर छै से सब सब आदमी बुझै छियै हमरा सब आदमी के गंतव्य है लेकिन एहि मे ई पानी आरो जे छै से ज्यादा कनी बाधा व्यवधान पहुँचलकै यऽ लेकिन अब खाने मुखलाई जुंगा ले सकदैन नेपाली में उखान छै तऽ ताहि दुआरे अगर सही तरीका से संयमित रूप से अगर कैल जाए किस प्लानिंग के तहत तो ई काज कैल जा सके से हमर विचार अवरुद्ध आ रहल अछि कि मौसम अपने के कोनो पानी पड़ि गेल लगातार आ फिर चार दिन पानी उबेर भेल तऽ कामो करय में ठीक रहल आ ताहिके बाद में खेतियो पाती वाला सबके ठीक रहल है ना अखन तऽ एहन पानी पड़ रहल अछि कि विशेष आवश्यकता है जो काम होइत रहल तऽ ओकरा जे है मतलब गड़बड़ा देलक पानी सबके विशेष अथी के कारण मतलब एक रूपका ढंग से एहिमे कोनो काम ठोस जी का भी नहीं रहा विकास निर्माण के कार्य में अवरुद्ध भ रहा है और कार्य जो है अवस्था जो अपने के डेट जो दिल गया है 20 गते या 25 गते के लिए लास्ट टाइम वही में बहुत बाधा व्यवधान भ रहा है और कार्य प्रगति में कार्य जैठाम भ रहा है वहीठाम के घटना के अवस्था देखल जाते तो पूरा की कहे जो पानी से दहाय वाला अवस्था सेहो बन रहा है और जगह जगह से मतलब समय के अवरुद्ध से भ रहा है और घटना परिघटना से भ रहा है मतलब काज भ गेल छै लेकिन ओहो चीज सब बहाय के दहाय के अवस्था में बन चुकल छै एक आ दोसर जैठाम काज भ रहा है खनाय वाला काज सब भेलै वहीठाम खाल हिलो सब होबे के कारण और वर्षा के कारण से भी मतलब उस चीज के पूरा नहीं कैल जा सकल। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में तालिबान के काबुल में मृत्यु भेल आ घायल भेल नेपाली सब के स्वदेश आन सरकार जहाज पठाब वाला है। परराष्ट्र मंत्री कमल थापा सब आन जहाज पठाब के तैयारी भर रहा जानकारी दिले थे। मंत्री थापा ट्विटर में लिखने से अफगानिस्तान में आतंकारी हमला में निधन भेल नेपाली सब के सब आ घायल सब के लेब सरकार नेपाल से जहाज पठाब के निर्णय कलक वही के आवश्यक तैयारी होते भरल सोम दिन काबुल में नेपाली सुरक्षा गार्ड सवार मिनी बस में आत्मघाती आक्रमण भेला के बाद 12 नेपाली के मृत्यु भेल नेपाल सरकार जनौलक। महतरी के ससौला में लोकल दारू पी क 5 गोटे के मृत्यु भेला के बाद लोकल दारू नियंत्रण कर प्रहरी सब भट्टी सब ताक रहा है। शनि दिन आ रवि दिन मात्र लोकल दारू दोकान आ भट्टी से 4,200 लीटर मदिरा बनाव वाला कच्चा पदार्थ आ 835 लीटर मदिरा प्रहरी नियंत्रण में लक नष्ट केने प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराय जनतब देने से ओहि परिमाण के मदिरा तथा ओ बनाव वाला प्रयोग कैल जाय वाला कच्चा पदार्थ जिला के धर्मपुर मठियानी सरपल्लो आ गोनरपुरा गावि से प्रहरी नियंत्रण में लक नष्ट केने जनौलक। लोकल मदिरा नियंत्रण कर बीतल बैसाख से प्रहरी 37 भट्टी से 4,655 लीटर मदिरा तथा 20,265 लीटर को बनाव प्रयोग कैल जाए वाला कच्चा पदार्थ नष्ट कर चुकल है। लोकल मदिरा नियंत्रण कर अभियान चलाने ओ अभियान अंतर्गत जिला माथत के सबटा प्रहरी चौकी सब में लोकल मदिरा नियंत्रण कर सर्कुलर जारी कैल गेल आ वह अनुरूप दैनिक रूप में हजारों लीटर के परिमाण में मदिरा आ कच्चा पदार्थ नष्ट होते आयल प्रहरी उपरीक्षक भट्टराय बतौलन। मदिरा से 5 गोटे के जान गेला के बाद प्रमुख जिलाधिकारी वीरेन्द्र यादव के निर्देशन में आ सलाह में लोकल मदिरा नियंत्रण कर प्रहरी परिचालित भेल। वैस्ताविका संसद बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी कानून वाफिया में संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक अर्थ समिति में फिरता पठौलक। नेपाल राष्ट्र बैंक से अवकाश प्राप्त प्राय बैंकर सब विधेयक ऊपर अर्थ समिति तैयार केने प्रतिवेदन अनुसार कानून बनत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ध्वस्त हेत चेतावनी दिला के बाद संसद सरकार के प्रस्ताव में विधेयक के समिति में फिरता पठौलक। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल बैंक के संचालक आ अध्यक्ष के पदावधि संस्थापक शेयर परिवर्तन लगायत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आ अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता अनुकूल होब के प्रावधान तर्जुमे करय पड़त कहित बाफिया संबंधी प्रतिवेदन अर्थ समिति में फिरता पठाब प्रस्ताव केने छल। अर्थ समिति बैंक संचालक सांसद सब के स्वार्थ अनुसार विधेयक ऊपर प्रतिवेदन तैयार केने छल। बैंक के संचालक तथा अध्यक्ष के कार्यकाल नहीं तोक के संस्थापन शेयर 7 वर्ष में साधारण शेयर में परिणत कर पाव के आ वही के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक के स्वीकृति लेब नहीं पड़ जका अर्थ समिति संसद में प्रतिवेदन पेश कला के बाद चौतरफी विरोध भेल छल। चौतरफी विरोध के कारण संसद विधेयक आ प्रतिवेदन के 11 दफा आ उपदफा सब में पुनः विचार कर निर्देशन सहित विधेयक सर्वसमिति सब अर्थ समिति में पठौलक।
सरकार आगामी अगहन महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कर जका संविधान कार्यान्वयन की कार्य योजना व्यवस्थापिका संसद में पेश करने में पूर्व स्थानीय विकास मंत्री तथा पूर्व स्थानीय विकास सचिव सब अगहन महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कोनो हालत में संभव नहीं है बतौलक। व्यवस्थापिका संसद के विकास समिति के मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में पूर्व स्थानीय विकास मंत्री तथा पूर्व स्थानीय विकास सचिव सब स्थानीय तह के सीमाना संख्या आ संरचना यकीन होब बाकी रहल अवस्था में अगहन महीना में निर्वाचन कर संभव नहीं है बतौलक। प्रमुख सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के स्थायी समिति के सदस्य सेहो रहल पूर्व स्थानीय विकास मंत्री किरण गुरुंग संविधान से स्थानीय तह के कल्पना केने अवस्था में छोट समय के लिए स्थानीय निकाय के निर्वाचन कर नहीं चाहिए या अगहन महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कर समय नहीं पहुंचत बतौनी अच्छे। बैसार में पूर्व स्थानीय विकास मंत्री उर्मिला अरियाल सेहो गुरुंग के कह प्रति समर्थन जनबैत सीमा संख्या लगात के विषय में किचान होब आ कानून बनाब बाकी रहल अवस्था में अगहन महीना में निर्वाचन कर के बात सस्ता प्रसारबाजी मात्र रहल बताने छथि। व्यवस्थापिका संसद के राज्य व्यवस्था समिति कर्मचारी के हाल कैल गेल सर्वा संबंधी विवरण एक सप्ताह भीतर उपलब्ध कराव गृह आ स्थानीय विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलक। समिति मंगल दिन गृह मंत्री शक्ति बस्नेत सामान्य प्रशासन मंत्री रेखा शर्मा आ स्थानीय विकास राज्य मंत्री कुंती कुमारी साई के बजाकर छलफल कर पिछला समय में कैल गेल सर्वा के विवरण एक सप्ताह भीतर उपलब्ध कराव गृह आ स्थानीय विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलक। गृह मंत्रालय बीतल जेठ 18 गते 15 जिला के सीडीओ सहित मंत्रालय माथहत के कार्यालय के 51 गोटे अधिकृत सबके सर्वा केने छल। एना का स्थानीय विकास मंत्रालय 21 गोटे स्थानीय विकास अधिकारी आ 22 गोटे अधिकृत सबके सर्वा केने छल। दुनू मंत्रालय सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सहमति बेगर सर्वा केने कारण सहमति सर्वा कैल गेल कर्मचारी के विवरण मांग कलक। समिति सर्वा आ काज के संबंध में निजामती सेवा एन आ नियमावली में कर के सुधार संबंधी विषय लिखित रूप में उपलब्ध कराव से निर्देशन दिलक। धनसा के जमनी निवास में आयोजित फुटबल प्रतियोगिता के उपाधि महोत्तरी माई स्थान के भवसी क्लब जीतलक। आयोजक जमनी निवास युवा क्लब एक गोल से पराजित करते भवसी के नगद 20,551 रुपया सहित मेडल जीते हैं। उ विजेता टीम नगद 10,551 में जीत बुझौनी आई। कुल 13 टीम के सहभागिता में रहल प्रतियोगिता के फाइनल प्रतिस्पर्धा एकदम ही रोचक छल। भवसी के 17 जर्सी नंबर के खिलाड़ी राजू बीक खेल के अंतिम समय में केने एकमात्र गोल उनका जीत के कारण बनल। विजेता टीम सबके धनसा क्षेत्र नंबर 7 के सांसद शत्रुधन महतो पुरस्कार तथा ट्रॉफी वितरण केने छलत। बीतल 25 गते से शुरू भेल खेल अवधि भेर रोशन लामा सरोज राय ध्वनि मगर आ इंसान लामा एम्पायर के रूप में भूमिका निर्वाह केने आयोजक क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार राय बताने छथि। भारत आ जिम्बाब्वे बीच जारी रहल 3 T20 मैच के सीरीज अंतर्गत काल्हि दोसर मैच भारत 10 विकेट से जीतने आई। जिम्बाब्वे टूर में रहल भारतीय टीम सोम दिन संपन्न भेल दोसर मैच में घरेलू टीम जिम्बाब्वे के 51 बॉल बाकी रहते समय 10 विकेट से हराने आई। नेपाली समय अनुसार सांझ में 4:45 में जिम्बाब्वे के हरारे स्टेडियम में टॉस जीत के पहले बैटिंग केने जिम्बाब्वे निर्धारित ओवर में 9 विकेट के क्षति में 99 रन बनाने छल। जवाब में मैदान में उतरल भारतीय टीम के लोकेश राहुल आ मनदीप सिंह क्रमश 47 आ 52 रन बनबे टीम के जीत दियाब सफल भेलत। वरिंदर सिरान 4 जसप्रीत बमराह 3 विकेट लेने छलत। भारत के 3 मैच के सीरीज में 1-1 की बराबरी में है। अंत में हेडलाइंस फिर से। फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आ ऑस्ट्रेलियन मंत्री टोनी वर्थ ट्रेनी में भेटवार्ता। ऑनलाइन संचार माध्यम संबंधी निर्देशिका तत्काल सत्यापन नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा सरकार संग मांग। 3 वर्ष लंबा प्रयास पश्चात सार्वजनिक खरीद एवं संशोधन। धनसा में अखन धरि 0.10% मात्र धान रोपायल। आ संविधान के विरोध में अभिव्यक्ति देव वाला आंदोलन की घोषणा कर वाला मंत्री सब के बर्खास्त कर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस द्वारा संसद में मांग। अपन न्यूज अखन के लेल अतबे पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टीवी। नमस्कार।